मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं कि सर अब हमसे नहीं होगा। पता है जिंदगी में कई बार ऐसे हालात होते हैं जब मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है। हमें क्या मिलेगा वो बहुत सेकेंडरी हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं बिकम्स वेरी प्राइमरी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत प्राथमिक हो जाता है। मैं एक बार मेरी जर्नी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। तभी आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गांव में रहते हैं तो वहाँ स्कूल्स हिंदी के ही होते हैं। तो उस केस में एक प्रेशर होता है कि यार जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है। पेरेंट्स का भी होता है और फैमिली का भी होता है कि यार कुछ करना है। खुद को फिर लगता है कि जिन हालात में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग 10 बाई 8 के कमरे में 5 लोग रहा करते थे, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी सिस्टर और मैं खुद, तो एक प्रेशर होता है कि जिंदगी में कुछ करना है। 12वीं क्लास तक ऐसा कुछ नहीं था, बट जैसे ही 12वीं क्लास पास होती है तो बहुत स्ट्रांग प्रेशर आता है कि अब तो स्कूल भी खत्म हो गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। 2010 में पहली बार मैंने अपना प्री मेडिकल टेस्ट पेपर दिया था और वो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, नहीं हुआ। और जब नहीं होता है ना तब ऐसा लगता है कि यार मैं लूजर हूं और दुनिया में बाकी सब लोग मेरे से बहुत आगे हैं और मैं अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया, मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप में काबिलियत है, तू थोड़ा सा पढ़ और मेहनत कर थोड़ी सी, तू ऐसे हार मान लेगा तो अपना घर का क्या होगा, क्या हालात होंगे। तो जो 2011 में मैंने एग्ज़ाम दिया और इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ, फोटो भी आप देख रहे होंगे। 2010 और 2011 में एक बहुत मेजर डिफरेंस था। मुझे इतना पता है कि 2011 में लास्ट 15 डेज में मैंने अपने घर का दरवाजा, जो मेन एंट्रेंस होता है, वो नहीं देखा था। मुझे पता ही नहीं कि वहां उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आई वॉज टोटली पैक्ड इन ए सिंगल रूम, गेट मैंने खोला सिर्फ मेरे रूम का। आई वॉज सो फोकस्ड और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, कुछ डाउट्स आ रहे थे तो किससे पूछे, कुछ ऐसा सॉल्यूशन तो था नहीं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हर चीज के लिए सब कुछ है, तो खुद स्ट्रगल करना पड़ता था, क्रैमिंग करनी पड़ती थी, रटना पड़ता था। और कोई चैप्टर आपने कोचिंग पे नहीं पढ़े है ना तो वो तो फिर छोड़ के जाओ। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ के गया था, ऑर्गेनिक मेरे को नहीं आती थी तब इतने अच्छे से, और प्लांट फिजियोलॉजी मुझे नहीं आती थी, सब छोड़ के गया था मैं। लेकिन जो किए थे वो फिर पूरे मन से कर रहा था, जो नहीं कर रखे थे वो उनके फॉर्मूलाज रट रहा था, कभी कभार गलती से काम आ गए। जब सक्सेस मिली ना, जब रिजल्ट आया, तो परसेप्शन लोगों का बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि दुनिया जो है ना वो प्रिपरेशन पे कमेंट नहीं करती, वो रिजल्ट पे कमेंट करती है। जैसे आपने तैयारी करना शुरू किया तो आपको बोलेंगे अच्छा आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो उनकी नज़र सरकेस्टिक हो जाती है, हाँ तेरा नहीं होगा हमको पता है, ऐसा बोलते हैं वो। बट जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो ना तो उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है कि हमको तो पहले ही पता था तेरा तो होगा ही होगा, और तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तो हमारे सबसे टैलेंटेड साथियों में से एक है। कई बातें होती हैं, दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो बिगिनर्स हैं जो शुरुआत कर रहे होते हैं, लाखों हैं, एग्जाम हो जाएगा नेक्स्ट ईयर फिर तैयार हो जाएंगे लाइन में, लाखों लोग फॉर्म भर के तैयार हो जाएंगे कि भाई वापस हमको बनना है हमको बनना है। दूसरे होते हैं फिनिशर्स। पता है दुनिया में जितनी भी दौलत, शोहरत, इज्जत, सेटिस्फेक्शन, नाम, दाम, काम, जो भी होता है ना, जितनी भी चीजें
एक्सट्रीम सक्सेस को डिफाइन करने के फीचर्स हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ फिनिशर्स को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स को कुछ नहीं मिलता। और लाखों लोग बिगिनर्स हैं, सिर्फ सैकड़ों लोग फिनिशर्स होते हैं, सिर्फ हजारों लोग फिनिशर्स होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेटर के तौर पे नहीं जानते हम लोग, फिनिशर के तौर पे जानते हैं। यूसेन बोल्ट को देखा आपने, 100 मीटर भागते हुए वर्ल्ड चैंपियन है, 70 मीटर तक वो इंसान सब लोगों के साथ भागता है, 30 मीटर में बताता है कि मैं यूसेन बोल्ट क्यों हूं। दुनिया में फिनिशर ही विनर होते हैं, बिगिनर हमेशा लूजर ही होते हैं। किसी काम को स्टार्ट करना कोई महान बात थोड़ी ना है, करते रहना भी कोई महान बात थोड़ी ना है, एक्सट्रीम फोकस के साथ में फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से 80% रिजल्ट आता है। तो मैं आज आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस मांगने आया हूं कि अब आप हर एक कीमत पर, जो भी चीज हो सकती है, एक्सरसाइज आप घर पे करके अपना मूड ठीक करेंगे, चाहे जो करेंगे, अपने घर का गेट 7 मई को ही देखेंगे। पूरी शिद्दत के साथ में लग जाओ। आप लोगों को मुझसे आज वादा करना पड़ेगा, मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक प्रॉमिस लेने आया हूँ कि आपको अब अपने घर का गेट नहीं देखना है। कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, वन शॉट पकड़ लो, NCERT निचोड़ पकड़ लो, एग्जाम्पलर पकड़ लो, उसको फिनिश करो। FSTs चल रहे हैं अभी, फुल सिलेबस टेस्ट वो शुरू कर रहे हो, उसको फिनिश करो। आज शाम को 7 बजे फिर से है एक्सट्रीमली NCERT बेस्ड, आप आ रहे हो ये गारंटी, और घर से बाहर अब नहीं जा रहे हो ये वादा, मुझे दोनों चाहिए। फिनिशर बनना है यार, करोड़ों बिगिनर्स हैं, 143 करोड़ पॉपुलेशन है ना इंडिया की, 142 करोड़ बिगिनर्स होंगे, वो 1 करोड़ होंगे जो इंडिया को चला रहे होंगे, और तुम वो हो यार, ये तुम्हारी औकात तुम्हारी काबिलियत बहुत ज़्यादा है, समझो तो। और लोग बाग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, उड़ाते रहेंगे। ये बहुत घिनौना सच है समाज का, क्या डॉक्टर बनना ही सब कुछ है, क्या IAS बनना ही सब कुछ है, क्या IPS बनना ही सब कुछ है, क्या IIT बनना ही सब कुछ है, नहीं नहीं है। बट अपने आप को ताकतवर साबित करना सब कुछ है, था और रहेगा, सब कुछ आपके हाथ में, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, आपकी सक्सेस, सब कुछ आपके हाथ में, आप एक्शन लोगे रिजल्ट आएगा। तो आप मेरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप दिल दिमाग और जुनून एक जगह पे लगाएंगे किसी भी कीमत पर, अब घर का दरवाजा नहीं, पहले मेडिकल कॉलेज का गेट देखना है अपने को। और आज 7 बजे जो FST होने वाला है एक्सट्रीमली NCERT बेस्ड, उसमें सब लोग अपनी हाजिरी लगाएंगे। थैंक यू सो मच।